भागलपुर लोजपा पार्टी कार्यकर्ता के राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर लोजपा पार्टी कार्यकर्ता द्वारा भागलपुर के एक निजी होटल में एक अहम बैठक किया गया, जिसमें लोजपा प्रभारी बेबी यादव, लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा सहित काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बैठक के उपरांत लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा एवं अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ता को 22 सितंबर को राजगीर में होने वाले 3 दिवसीय लोजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अपील की। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में संगठन का विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर में 2025 के आगामी चुनाव को लेकर भी लोजपा का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य के सभी जिलों से लोजपा पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। लंबे समय के बाद एक बैठक रखी गई, जिसका विषय था 22, 23, 24 को राजगीर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हर जिले से जितने भी कार्यकर्ता हैं, नए जुड़े कार्यकर्ता जो पुराने हैं, उन सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा और हर जिला के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। भागलपुर के लिए भी प्रभारी के रूप में हमारी बड़ी बहन बेबी देवी जी हमारे बीच हैं, बेबी यादव जी जो भागलपुर से प्रभारी हैं। इनकी अध्यक्षता में यहाँ से हम लोगों की टीम 22 तारीख को राजगीर के लिए रवाना होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और मिशन 2025 में हमारे नेता चिराग पासवान जी को, जो उनका विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जिस विज़न के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी शहर की, प्रदेश की मूलभूत समस्याओं से निजात के लिए उन तमाम विषयों को साथ लेते हुए 2025 की तैयारी के लिए चिराग पासवान जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। और सभी कार्यकर्ता किसी भी रूप में, ना किसी आम जनता से, ना किसी कार्यकर्ता से, सब में आपस में एक सामंजस्य स्थापित हो, सम्मान और अनुशासन के साथ पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और आगे की रूपरेखा वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्र कमेटी और प्रदेश कमेटी के पदाधिकारीगण देंगे, जो हम लोग 22, 23, 24 को भागलपुर बिहार से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।